तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स के बारे में, 1993 के बारे में। इसके मैं एक पूरी सीरीज बनाया है जिसमें मैं पार्ट 3 पर पहुँचा हुआ हूँ और चैप्टर 3 में दिया हुआ है क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में। क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है, किस तरह उसका कैलकुलेशन किया जाता है, तो इनके बारे में इस मैनुअल में दिया हुआ है रूल नंबर 20 से लेकर 48 के बीच में। तो इन 28 रूल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, एक दो बार देख लेते हैं, तो आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी, आप विथ रूल नंबर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। क्वालिफाइंग सर्विस रूल नंबर 20 में दिया हुआ है क्वालिफाइंग सर्विस। तो दोस्तों, जिस प्रकार से क्वालिफाइंग सर्विस की बात आती है, कितने सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस हुई है आपकी, तो उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ। तो कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, तो ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस रूल, इस रूल में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके अधीन बोला गया है कि क्वालिफाइंग सर्विस इज रेलवे सर्वेंट शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ टेक्स चार्ज। जब वो एम्प्लॉय चार्ज लेता है उस समय से उसकी क्वालिफाइंग सर्विस स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है, इधर इन सब्सटेंटिवली आर इन ऑफिशिएटिंग आर टेम्प्रेरी कैपेसिटी। अगर किसी भी पोस्ट पर वो चार्ज लेता है पहली बार, तो वहाँ से उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कमेंसमेंट हो जाती है, बशर्ते कि ऑफिशिएटिंग और टेम्प्रेरी सर्विस जो होती है इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन। मतलब ऑफिशिएटिंग और टेम्प्रेरी सर्विस के बाद में विदाउट इंटरप्शन, बिना रुकावट के, बिना मतलब गैप के, उसको सब्सटेंटिवली अपॉइंटमेंट मिल जाना चाहिए उसी सेम पोस्ट पे या दूसरी पोस्ट पे। तो उस समय में इस ये जो पीरियड है इसको क्वालिफाइंग सर्विस बोला जाएगा। और अगर वहाँ पर गैप हो जाता है या ब्रेक लगता है, तो उसको फिर उस पीरियड को काउंट नहीं किया जाता है। इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट इन ग्रुप डी, तो इस कंडीशन में दोस्तों कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ग्रुप डी का है और उसका हेल्ड या सस्पेंडेड लीन ऑन परमानेंट पेंशनेबल पोस्ट प्रियर टू, ऐसी कोई परमानेंट पोस्ट पेंशनेबल पोस्ट है जो कि 17 अप्रैल 1950 से पहले की है, तो सर्विस रेंडर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ, तो उसकी जो उसने जो 16 साल की एज से पहले जो सर्विस रेंडर की है, मतलब जो सर्विस की है, शेल नॉट काउंट फॉर एनी पर्पस। उस सर्विस का कोई किसी पर्पस किसी के लिए उसका काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसमें बी नंबर देख लेते हैं कि इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट, अगर कोई रेलवे सर्वेंट इज नॉट कवर्ड बाय क्लास ए, क्लॉज ए जो दिया हुआ है, मतलब 16 साल से पहले अगर इसमें इस क्लॉज में वो कवर नहीं होता है, तो सर्विस रेंडर बिफोर द अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर, तो ऐसी सर्विस जो कि 18 साल से पहले उसने की थी, शेल नॉट काउंट, उसे काउंट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर कंपेंसेशन ग्रेच्युटी। कंपेंसेशन ग्रेच्युटी मतलब दोस्तों, इनके साथ डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको कंपेंसेशन ग्रेच्युटी दी जाती है, और उस कंडीशन को छोड़कर मुझे उस सर्विस को कहीं भी काउंट नहीं किया जाएगा। द प्रोविजन ऑफ क्लास बी, मतलब क्लास बी बोले तो ये 18 ईयर की जो क्लॉज है, शेल नॉट बी एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होगी इन द केसेज ऑफ काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस फॉर सिविल पेंशन रूल अंडर रूल 34। तो इसके बारे में दोस्तों, अगर ये सिविल सर्विसेज मिलिट्री सर्विसेज के बारे में जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको अगर डिटेल में पढ़ना रहेगा, तो उसके लिए रूल नंबर 34 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसीलिए यहाँ पर रेफर कर दिया गया कि फॉर सिविल सर्विसेज अंडर रूल नंबर 34 रूल नंबर में इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब दिया हुआ है कि कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्विस क्वालिफाइज, मतलब सर्विस क्वालिफाइंग के अधीन जो है कंडीशन है वो क्या क्या है। तो सर्विस ऑफ रेलवे सर्वेंट शेल नॉट क्वालिफाई, रेलवे सर्वेंट की सर्विस क्वालिफाइड नहीं मानी जाएगी यदि हिज ड्यूटी आर पे, उसकी जो ड्यूटी है और उसकी पे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, या अंडर कंडीशन डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा है। तो पहला उसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, सेव एज अदरवाइज, मतलब अन्यथा कहीं और नहीं दिया गया हो उसको छोड़कर, द रूल फॉर पर्पज ऑफ रूल सब रूल नंबर वन, ये सब रूल नंबर वन, द एक्सप्रेशन सर्विस मीन, सर्विस का मतलब ये हो जाता है कि अंडर द गवर्नमेंट आर पेड बाय द गवर्नमेंट, जिसके गवर्नमेंट जिसके लिए पेड करती, फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड अ लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दैट गवर्नमेंट,
बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट, अनलेस यदि नहीं द सर्विस इज ट्रीटेड एज क्वालिफाइड सर्विस बाय दैट गवर्नमेंट, अदर उस गवर्नमेंट के द्वारा उस सर्विस को क्वालिफाइड ट्रीटेड नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में। इसी में नंबर दो दिया हुआ है कि इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट, अगर मान लो कोई रेलवे सर्वेंट बिलोंगिंग टू ए स्टेट गवर्नमेंट, बिलोंग करता है स्टेट गवर्नमेंट से, हु इज परमानेंटली ट्रांसफर टू अ सर्विस आर पोस्ट अंडर द रेलवे, उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया गया है टू सर्विस आर पोस्ट टू द रेलवे, द कंटिन्यूस सर्विस रेंडर द स्टेट गवर्नमेंट, जो उसने स्टेट गवर्नमेंट में जो कंटिन्यूस सर्विस की थी इन एन ऑफिशिएटिंग एंड टेम्प्रेरी कैपेसिटी अगर कोई है तो, फॉलोड विदाउट इंटरप्शन, सेम वही कि उसके बाद में अगर कोई गैप नहीं हुआ है, उसके कोई ब्रेक नहीं दिया गया है बाय सब्सटेंटिव, और उसी पर उसको सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट दे दिया गया है या फिर कंटिन्यूस सर्विस रख दी गई है, तो गवर्नमेंट इन एन ऑफिशिएटेड आर टेम्प्रेरी कैपेसिटी एज द केस में बी शेल क्वालिफाई, वो उसके लिए क्वालिफाई रहेगा, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सब रूल शेल अप्लाई टू एनी सच रेलवे सर्वेंट हु इज अपॉइंटेड अदरवाइज देन द डेप्यूटेशन टू अ सर्विस आर पोस्ट विच दिस रूल अप्लाई, मतलब जो डेप्यूटेशन और डेप्यूटेशन के अलावा कहीं अगर अपॉइंट हुआ है तो उस पर ये रूल, उसके बारे में उसमें ये कुछ भी शामिल नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं काउंटिंग फॉर सर्विस ऑन रेलवे रेलवे सर्विस ऑन रेलवेज इज क्वालिफाइंग सर्विस, कौन कौन सी सर्विस को क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है, तो द सर्विस ऑफ रेलवे सर्वेंट विच शेल क्वालिफाई फॉर पेंशनरी बेनिफिट, ऐसी सर्विस जिसका भी क्वालिफाइड किया पेंशनरी बेनिफिट के लिए क्वालिफाई किया जाता है टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन दिस रूल शेल बी फॉलो, तो वो नीचे दिए हुए हैं उनको बारे में हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि कंटिन्यूस सर्विस इन इंडियन रेलवे और कंटिन्यूस सर्विस इन फार्मर कंपनी रेलवेज आर इन अ फार्मर स्टेट रेलवे विच हैव बीन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो फार्मर फार्मर स्टेट रेलवे थी या फार्मर कंपनी थी जिनको भी बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेकन ओवर कर लिया एंड फॉलोड बाय द सर्विस इन, उसके बाद में जो इंडियन रेलवे बन गई थी वो, तो वो कंटिन्यूस सर्विस को माना गया है। सर्विस रेंडर्ड बाय द रेलवे सर्वेंट विद अ फार्मर स्टेट रूलर पर्सनली टू द एक्स रूरल हाउस होल्ड प्रियोर फेडरल, जब फेडरल गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट होती है थी एंड फॉलोड विदाउट ब्रेक ऑफ सच सर्विस, बिना ब्रेक के उसकी सर्विस पूरी होती है, शेल बी ट्रीटेड एंड फार्मर स्टेट गवर्नमेंट फॉर पर्पज ऑफ पेंशनरी बेनिफिट के लिए अगर उस सर्विस को काउंट किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मतलब उसको बिना ध्यान दिए हिज इमोल्यूमेंट कि उसका इमोल्यूमेंट वेयर पेड फॉर द स्टेट रेवेन्यू, कि उसका जो इमोल्यूमेंट मतलब उसको जो वेतन दिया जा रहा था वो स्टेट रेवेन्यू से दिया जा रहा था या प्राइवेट सोर्स से दिया जा रहा था, इस चीज़ को ध्यान में न रखते हुए उसको अगर उसमें कोई ब्रेक नहीं है और उस सर्विस को पर्पज फॉर पेंशनरी बेनिफिट में काउंट किया है तो उसको एज ए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। सर्विस रेंडर बिफोर ज्वाइनिंग द रेलवे, इंडियन रेलवे ज्वाइन करने से पहले आर अ फार्मर कंपनी रेलवे आर स्टेट रेलवे विच हैव बीन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, उस जिसको कि गवर्नमेंट ने बाद में टेकन ओवर कर लिया तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा, बशर्ते प्रोवाइडेड इट इज, उसमें भी कंडीशन दे दी गई है क्या है, अ सर्विस इन विच इंडियन रेलवे और फार्मर स्टेट रेलवे और फार्मर कंपनी इफ एट अ टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब उसका ट्रांसफर हुआ था वाज डिसाइडेड, वहाँ डिसाइड किया गया है कि सच सर्विस वुड काउंट फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वहाँ ऐसा डिसाइड कर लिया गया था कि ये काउंट होगा, अ सर्विस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सर्विस ऑन एन इंडियन रेलवे पर या फार्मर कंपनी रेलवे या फार्मर स्टेट रेलवे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 24, इसका जो रूल नंबर 24 है उसके अधीन अगर आता है तो उसे क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। अ सर्विस अंडर द प्राइवेट रेलवे और क्वासी रेलवे बॉडी टू एक्सटेंड एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 25, इसी का रूल नंबर 25 रहेगा, उसमें इसके बारे में दिया जाएगा प्राइवेट रेलवे कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग 22 रूल देख रहे हैं, नेक्स्ट आएगा 23 रूल नंबर, उसमें भी देखा जाएगा। अ नॉन पेंशनेबल सर्विस ऑफ साइंटिफिक एम्प्लॉय अंडर द सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विच इज फिनांस्ड फ्रॉम सेस इन गवर्नमेंट ग्रांट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 30। इसमें रूल नंबर 30 में दिया हुआ है कि ऐसा कोई साइंटिफिक एम्प्लॉय वैज्ञानिक जो पर्पज़ के लिए रखा गया हो, नॉन पेंशनेबल सर्विस के लिए है,
और वो अगर मान लो गवर्नमेंट के ग्रांट से चलता है या सेस से चलता है, जो कर मिलता है गवर्नमेंट से चलता है, तो उसके लिए प्रोविज़न दिया है रूल नंबर 30 में। अब मिलिट्री और वार सर्विस जो रहेगी उसके लिए वो क्वालिफाई माना जाएगा। अ क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ सिविल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एज अ सिविलियन एम्प्लॉय डिफेंस इंक्लूडिंग जिसमें आर्मी फैक्ट्री भी शामिल होती है और स्टेट गवर्नमेंट बिफोर ट्रांसफर टू रेलवे इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 27। तो इन सभी के रूल डिटेल्स में अगर देखेंगे तो जो रूल दिए हैं दोस्तों उसमें पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो ये रूल नंबर आ ही जाएंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई सर्विस है तो उसको काउंटिंग करेंगे कि नहीं, तो ये चीज़ दिया हुआ है कि सर्विस काउंटिंग पीरियड द प्रोबेशन जो प्रोबेशन पीरियड है रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड एज प्रोबेशनर और प्रोबेशनर शेल बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग। तो ये जो प्रोबेशन पीरियड रहता है उसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है इस हिसाब से रूल नंबर 23 में। 24 में दिया है काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे जो सर्विस है उसके बारे में दिया है। अ पर्सन हु इज इनिशियली इंगेज बाय द रेलवे ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे उसको इंगेज किया गया था एंड इज सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद में अपॉइंटेड टू द सेम या फिर अनदर पोस्ट पर उसे सब्सटेंटिव कैपेसिटी में उसमें अपॉइंटमेंट दे दिया बिना किसी ब्रेक के, तो सच कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ सर्विस, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो सर्विस का था शेल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर परमानेंट सर्विस इन द रेलवे एंड बी टेकन, और उसे टेकन अकाउंट किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ पेंशनरी बेनिफिट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा उसे सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेट डाउन इन दिस रूल। क्या है कंडीशन वो हम लोग देख लेते हैं। पहली कंडीशन दी हुई है कि प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जो पीरियड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का जो पीरियड था ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑफिसर था जो अधिकारी था डिड नॉट सब्सक्राइब, उसने सब्सक्राइब नहीं किया था स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड सेल काउंट टू द एक्सटेंड इंडिकेट अवॉर्ड इफ ड्यूरिंग सच पीरियड रेलवे सर्वेंट कंसर्न डिड नॉट इन्फ्लेटेड एनी रेट ऑफ पे बाय रीजन और एब्सेंस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट के कारण उसका उसने डिड नॉट एनी इन्फ्लेटेड एनी रेट ऑफ पे बाय रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी रिटायरमेंट बेनिफिट। इसी में दूसरा दिया हुआ है कि इफ अ रेलवे सर्वेंट कंसर्न हैज सब्सक्राइब, या तो रेलवे सर्वेंट ने सब्सक्राइब कर लिया है द एस आर पी एफ स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सर्विस ही शेल हैव द ऑप्शन, उसके पास अगर उसने ऑप्ट कर लिया है तो उसके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, उसके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। पहला टू रिफंड द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो चाहे तो जो उसने गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था उसको रिफंड कर दे टू द प्रोविडेंट फंड एंड टुगेदर विद द इंटरेस्ट और उसमें मिलने वाले इंटरेस्ट को एंड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड जो भी मिला होगा उसको अगर कोई है तो फॉर द पीरियड इन क्वेश्चन, मतलब जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, टू काउंट द कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट टू द एक्सटेंड इंडिकेटेड अबो, या फिर टू रिटेन द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, या तो वो रहने दे अपना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड विथ इंटरेस्ट देयर ऑन इंक्लूडिंग एनी अदर, अगर कोई उसको कंपेंसेशन या फिर स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट किया है तो एंड नॉट टू काउंट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उस पीरियड को नहीं काउंट करेगा इन सर्विस इन क्वेश्चन फॉर द पेंशनरी बेनिफिट, उस पीरियड को काउंट नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो वो रिफंड को वापिस कर दे या फिर उसको रिफंड को रहने दे और उस पीरियड को कैलकुलेट काउंट ना करवाए। द ऑप्शन रिफर्ड इन सब रूल नंबर सब क्लॉज वन, जो ए जो है सब क्लास ए दिया हुआ है फॉर क्लास ऑफ सेकेंड ऑफ सब रूल नंबर दो का, ये सब रूल नंबर वन का ये दो का ए जो दिया हुआ है शेल बी एक्सरसाइज विद इन 3 मंथ। तो ये ऑप्शन क्या कर रहेगा दोस्तों कि रेलवे सर्वेंट को विद इन 3 मंथ में जब सब्सटेंटिव पोस्ट पर काम करेगा तो उसे 3 महीने के भीतर उसे ये ऑप्शन देना पड़ेगा। और हाँ, अगर इस कंडीशन में अगर मान लो वो छुट्टी पर है तो छुट्टी पर से आने के बाद में उसका जो पीरियड रहेगा जो भी वो जो बाद में होगा उस पीरियड को उसको मैं उसे ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया गया रेलवे सर्वेंट के द्वारा इस जो स्टिपुलेटेड पीरियड दिया हुआ है सब रूल नंबर दो में, ये जो पीरियड 3 मंथ दिया हुआ है ही शेल बी डीम्ड टू हैव ऑप्टेड, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि रिटेंशन ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट, कि उसने मॉनिटरी बेनिफिट को रिटेंशन किया मतलब रहने दिया है इन सब रूल नंबर टू के हिसाब से एंड ही शेल बी डीम्ड टू हैव ऑप्टेड द रिटेंशन ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट, जो मॉनिटरी बेनिफिट का रिटेंशन का जो ऑप्शन है उसे मान लिया जाएगा कि ये ऑप्शन उसने दिया है, मतलब ऑटोमेटिकली उसमें स्विच कर दिया जाएगा।
और फिर इसका नंबर 4 नंबर दिया हुआ है कि जहाँ एक रेलवे सर्वेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हु वाज एडमिटेड टू द SRPF फंड ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव इन सब क्लास नंबर 1 का जो है उसमें जो पहले दिया हुआ नंबर में द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुगेदर विद द इंटरेस्ट देयर अपॉन इंक्लूडिंग अदर कंपेंसेटिंग टू इट्स क्रेडिट इन SRPF फंड एंड द स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड में जो स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था अगर कोई है तो शेल बी सरेंडर्ड एंड सच अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसे सरेंडर करना होगा और उस फंड को जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करना होगा। अब इसमें देख लेते हैं प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी कंडीशन डाल दी गई कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऐसा कोई केस जहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन ही शेल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड द अमाउंट और उसे जरूरत ही शेल बी रिक्वायर्ड उससे जमा करवा लिया जाए द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम टुगेदर उसके द्वारा जो अमाउंट रिसीव किया गया था विथ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट जो अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था उसके साथ में एक्चुअली और रिसीव्ड ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल रिफंड और उस पैसे को उससे जमा किया जाएगा लेकिन जमा करवाया जाएगा उससे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि जहाँ पर वो अमाउंट पूरा जमा नहीं हुआ है और वो इन केस वेयर द रेलवे सर्वेंट है रेलवे सर्वेंट की डेथ हो जाती है बिफोर द एंटायर अमाउंट इज रिफंडेड बिना एंटायर अमाउंट के रिफंड किए हुए द अमाउंट विच रिमेन टू बी रिफंडेड जो अमाउंट रिफंड किया गया शेल बी एडजस्टेड जो अमाउंट रिफंड मतलब होना चाहिए था उसको क्या किया जाएगा उसकी डेथ ग्रेजुटी में से उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये एक रूल इसमें कंडीशन दी गई है। अब इसका रूल नंबर 25 बोलता है कि काउंटिंग ऑफ सर्विस रेंडर्ड अंडर प्राइवेट रेलवे कंपनीज या क्वासी रेलवे बॉडीज उसके लिए क्या काउंट रहेगा, तो द प्रीवियस सर्विस ऑफ एम्प्लॉई ऑफ फार्मर प्राइवेट और फार्मर रेलवे कंपनीज और क्वासी रेलवे बॉडीज हु आर ऑब्जर्व इन अपॉइंटेड एज फ्रेश एंट्रेंस इन द इंडियन रेलवे फ्रेश एंट्रेंस के तौर पर उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है शेल बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर पेंशनरी बेनिफिट और उस अकाउंट उस जो पीरियड को किया जाएगा पेंशनरी बेनिफिट के लिए अकाउंट इफ काउंटेबल एज अंडर फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अगर उसने स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड किया है तो इफ अंडर द एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो पहले के ऑर्डर दिए गए थे उसके अनुसार द सर्विस इज नॉट काउंटेबल फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड द सेम शेल नॉट बी टेकन काउंट फॉर पेंशनरी बेनिफिट अगर वो स्पेशल SRPF में उस सर्विस को काउंट नहीं किया गया तो उससे नॉट टेकन टू द पेंशनरी बेनिफिट के लिए उसे काउंट नहीं किया जाएगा। इफ अंडर द एग्जिस्टिंग ऑर्डर अगर पहले के ऑर्डर में दिया गया है कि प्रीवियस सर्विस काउंटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर SRPF के लिए द सेम सेल भी उसे काउंट किया जाएगा फॉर फुल पेंशनरी बेनिफिट में मतलब है कि जो ऑर्डर है वो अगर मान लो उसने उसे काउंट किया है तो काउंट किया जाएगा पेंशनरी बेनिफिट के अगर नहीं काउंट किया है तो उसे नहीं काउंट किया जाएगा। द प्रीवियस सर्विस विच इज टेकन इन टू अकॉर्डेंस विद द पेंशनर सब रूल नंबर 1 में किया गया है शेल बी ट्रीटेड एज रेलवे फॉर एक्सटेंड इंडिकेट देयर अपॉन फॉर पेंशनरी बेनिफिट ऑफ दिस रूल। इसमें दिया है 26 में देख लेते हैं कि काउंटिंग फॉर सर्विस रेंडर्ड इन द रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन सर्विस जो जो कि रेंडर्ड इन IRCA में काउंट की रेंडर की गई है तो उसके लिए क्या रहेगा। इफ अ पार्ट ऑफ सर्विस ऐसा कोई पार्ट सर्विस का पार्ट रेलवे सर्वेंट के द्वारा जो कि IRCA में उसने कंप्लीट किया है सच सर्विस शेल बी डीम उसे मान लिया जाएगा हैविंग रेंडर अंडर द गवर्नमेंट एंड शेल बी टेकन और उसे टेकन काउंट कर लिया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द क्वालिफाइंग सर्विस अंडर दिस रूल इस रूल के अनुसार। लेकिन प्रोवाइडेड दैट क्या है प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफर हैज बीन इफेक्टेड जो उसका जो ट्रांसफर हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट अप्लीकेबल हैविंग बीन फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल उसका ट्रांसफर जो तो प्रॉपर चैनल से किया गया इन द सब्सिक्वेंस ऑफ इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन एंड इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैविंग एग्री थ्रू सच ट्रांसफर इन काउंट ऑफ एम्प्लॉई स्पेशल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर जो उसका ट्रांसफर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है इंडियन रेलवे में तब उस जाके उसको कैलकुलेटिंग फॉर क्वालिफाइंग सर्विस में उसको काउंट किया जाए। रूल नंबर 27 दिया है काउंटिंग फॉर सर्विस रेंडर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इन अ सिविल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंटल और सिविल एम्प्लॉयमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग ऑर्डनेंस फैक्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट बाय द पर्सन ट्रांसफर परमानेंटली ऑब्जर्व ऑन द रेलवे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉई पहले जो है सिविल मिनिस्ट्री में था डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एम्प्लॉय था या फिर डिफेंस इंक्लूडिंग ऑर्डनेंस फैक्ट्री में था
और बाद में अगर मान लो वो ट्रांसफ़र होता है परमानेंटली ऑब्जर्वेंट रेलवे, तो एक पेंशनेबल एम्प्लॉय ट्रांसफर टू द रेलवे फ्रॉम अनदर सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेल बी ट्रीटेड एज डेप्यूटेशन एज लॉन्ग एज ही इज़ नॉट परमानेंटली ऑब्जर्व। जब तक उसको परमानेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया तब तक उसको डेप्यूटेशन पे ट्रीट किया जाएगा इन द रेलवे सर्विसेज, एंड ऑन परमानेंट ऑब्जर्वेशन जब हो जाएगा द शेल बी काउंट फॉर एंटाइटल फॉर पेंशनरी बेनिफिट अंडर दिस रूल। तो ये दोस्तों रूल नंबर इसमें 27 तक हम लोगों ने काउंट कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा मेरी ये वीडियो का पार्ट 3 फिनिश होता है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप इन फ्यूचर कभी रिटायर होते हैं, आप पेंशनर हैं या पेंशनरी बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप रिटायर हो भी गए हैं तो आपको इन रूल्स के बारे में जानकारी रहेगी, तो अगर कोई कमी रहती है आपको तो आप उसके बारे में अपना क्यूरी रेज कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों इसको हम लोग करीब करीब 108 रूल्स को हम इसी तरह अगले नेक्स्ट पार्ट में कुछ कवर करेंगे। इस तरह हो सकता है कि 7-8 पार्ट में पूरे वीडियो को कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि आगे के चैप्टर काफ़ी बड़े हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और कम टुगेदर एंड गेट सक्सेस में बोलना मैं अपने तरफ से कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहते हैं, और अगर आपने कोई अपना एक टारगेट या एम अचीव करना चाहते हैं तो इसी तरह जुड़े रहिए, और हम लोग एक न एक दिन आपको जो आपका एक टारगेट है उसको ज़रूर हासिल करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे एक हौसला अफजाई होती है और नए नए वीडियोस बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबे हैं। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना तबीयत का ध्यान रखिए, और इसी तरह ड्यूटी पर मन लगा के काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।